हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको अपने वेजिटेबल गार्डन की सैर कराने जा रहा हूँ। ये मैंने लॉकडाउन के दौरान ही विकसित किया है। इसमें केवल 2 महीनों का समय लगा है। ये देखिए, मैंने मूली लगाई है। ये लगभग 15 दिनों में हार्वेस्टिंग के लायक भी हो जाएगा। ये प्याज, मैंने सड़े हुए प्याज को लगाया है जो किचन में फेंक दिया जाता है। ये रहा मेथी का साग, मैंने सप्ताह भर पहले ही इसे लगाया है। इसमें अंकुरण हो चुका है, देखिए छोटा छोटा मेथी का पौधा। ये मैंने क्यारी के किनारे किनारे ही मूली के पौधे लगाए हैं ताकि जो खाली जगह है उसका भी उपयोग हो। ये चने, मैंने घर के चने का ही उपयोग किया है। तुलसी का पौधा जो चाय बनाने के काम आते ही रहता है। इसमें मैंने सप्ताह भर पहले चौलाई लगाई हुई है। यहाँ देखिए पत्ता गोभी, इन सारी क्यारियों में मैंने पत्ता गोभी और फूल गोभी लगाया है। ये देखिए, यहाँ भी मैंने क्यारी के किनारे किनारे मूली लगाई है। ये भिंडी, भिंडी में फूल आना भी शुरू हो चुका है, देखिए इसमें भी। ये रहा बरबट्टी, बरबट्टी में भी फूल आना शुरू हो चुका है। ये रहा बरबट्टी का फूल। ये चौलाई, छोटी छोटी चौलाई, यहाँ भी मैंने भिंडी लगाया है। ये लौकी का पौधा, लगभग इसे 10 दिन हो चुके हैं। ये कुंदरू, कुंदरू का पौधा बहुत जल्दी बढ़ने वाला पौधा है, देखिए कितना बड़ा हो चुका है। इसमें भी फल आना शुरू हो चुके हैं। ये मैंने जाल बनाई हुई है ताकि जो भी लताएं हैं वो जाल में आके ठहरें। ये गेहूँ, गेहूँ का जवारा हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये सेम, इसकी लताएं भी उसी जाल में जाकर लगेंगी। ये मैंने चारों तरफ खंभे गाड़ के रस्सियों से बांध दिया है। ये मैंने सौंफ और अजवाइन को एक साथ लगाया है, ये मसालों में उपयोग होगा। यहाँ मैंने लहसुन की कलियाँ लगाई हैं, इसके पत्तों की चटनी बनाने में उपयोग होता है। ये मिर्ची, मिर्ची की मैंने 3G कटिंग की हुई है, इसकी वीडियो मैं आपके साथ अलग से शेयर करूँगा, इससे उत्पादन अधिक होता है। ये टमाटर का पौधा, हरे भरे टमाटर, ये भी लगभग महीने भर में हार्वेस्टिंग के लायक हो जाएगा। ये हरे हरे पालक, ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो चुका है, देखिए। यहाँ मैंने चौलाई लगाई हुई है, ये भी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। 2-3 दिन में इसकी भी तुड़ाई हो जाएगी। यहाँ भी मैंने कुछ मूलियाँ लगाई हैं, इसमें मैंने मिर्ची लगाया है और नीचे सरसों लगाया है। ये बैंगन, लगभग सप्ताह भर पहले मैंने इसे लगाया था। ये देखिए कद्दू कितना बड़ा हो गया है।
ये कुछ दिनों में हार्वेस्टिंग के लायक हो जाएगा। ये आम का पौधा, ये लौकी मैंने शुरुआत में ही लगाई थी, ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसमें फूल आने लगे हैं। देखिए ये फूल, इसके लिए भी मैंने ऊपर में जाली बनाई है। ताकि लौकी का की जो लताएं वो जाली में जाएं। ये खीरा, खीरा का पौधा, खीरे में तो बहुत जल्दी फूल आने लगते हैं। यहाँ भी मैंने लहसुन लगाया है, ये धनिया, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है धनिया से। ये करेले का पौधा जिसे मैंने शुरुआत में ही लगाया था, लगभग 1.5 महीने हो चुके हैं, ये काफ़ी फैल चुका है, इसमें करेले आना शुरू हो चुके हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ऊपर में एक करेला काफ़ी बड़ा हो गया है, इसमें और छोटे छोटे करेले लग चुके हैं। नीचे मैंने साग लगाए हैं, ये रहा पालक का, इसे 2 बार हार्वेस्ट किया जा चुका है, इसमें और नई पत्तियाँ आ चुकी हैं। ये मेथी, किनारे किनारे देखिए मैंने टमाटर का पौधा लगाया है, यहाँ मैंने सप्ताह भर पहले मटर लगाया था, इसमें भी अंकुरण हो चुका है। ये मैंने नालियाँ बनाई हैं ताकि इसमें पानी आ सके। ये साग, इनमें मैंने करेले लगाए हैं जिसमें कुछ में अंकुरण हो चुका है, देखें 2 पत्ते आ गए हैं। इसके लिए मैंने कुछ झाड़ियाँ लगाई हैं ताकि इसमें करेले की लताएँ विकसित हों। ये सरसों का साग, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।